आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिजाइनर अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाएंगे और ये हम 5 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। देखो, इसके लिए मैंने कॉटन का आधा मीटर जितना कपड़ा लिया है। इसको ऐसे अच्छे से खोल के पहले हम कपड़े को ऐसे फोर फोल्ड कर देंगे। देखो ऐसे, फिर एक साइड से जो फोल्डेड एरिया है वहाँ से मैं आपको इसका नाप दिखाती हूँ। देखो ऐसे 13 इंच जितना कपड़े की लेंथ है, ये फोर फोल्ड है। और यहाँ से कमर का नाप हम देखो, ये 5 इंच जितना है वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फोर फोल्ड है तो 20 इंच जितनी कमर हो उसको आ जाएगा। देखो इस तरह से, फिर राउंड शेप करेंगे तो 6 इंच जितना ये बढ़ जाएगा कमर का नाप, क्योंकि हमें पीछे इलास्टिक लगानी है तो कमर हम यहाँ कमर का नाप थोड़ा ज़्यादा लेंगे। फिर ऐसे कोने से पकड़ के ऐसे 13 इंच जितना हम राउंड ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे अम्ब्रेला कट शेप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। देखो ये अभी हम इसको ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से ऐसे राउंड में कट कर लेंगे। देखो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा बनने के बाद। देखो ये हमारी कटिंग हो गई है, ये कट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। देखो अभी हम कमर का बेल्ट ऐसे नाप करके कट कर लेंगे। देखो इसका नाप हम लेंगे पहले, देखो ये 13 इंच जितना है तो इस हिसाब से हम इसका बेल्ट कट करेंगे। देखो ये हमने नीचे से जो कट किया है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हम ऐसे इसमें बेल्ट में यूज करेंगे। तो देखो ये 13 इंच जितना ही और ऐसे 4 इंच, देखो ऐसे 4 इंच पे पॉइंट लगा के ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐसे कट कर लेंगे। देखो ये हमारा बेल्ट भी कट गया है इस तरह से। देखो ये इसी नाप का आ जाएगा। अभी हम पैटर्न के लिए जो बेल्ट हमारा है वो इसमें से कट करेंगे। इसको भी हम इसी के साइज़ का ही रखेंगे, आप चाहे तो जितनी लेंथ रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन इसको भी देखो ऐसे 4 इंच पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे और इतना ही इसका बेल्ट भी ऐसे ही कट कर देंगे। देखो इसमें से 2 बेल्ट बन जाएंगे हमारा, बीच में से कट कर लेंगे। तो अभी इसको ऐसे एक के ऊपर एक रख के आगे से कोने से राउंड शेप दे देंगे। देखो ऐसे ऐसे कर्व शेप में कट कर लेंगे। देखो इस तरह से जो हमारी पैटर्न का बेल्ट है वो भी कट गया है। अभी इसकी कटिंग पूरी हो गई, अब मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ। देखो पहले हम जो बेल्ट है वो इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे, तो जो स्कर्ट का सेंटर पॉइंट है देखो यहाँ से ऐसे पॉइंट लगा देंगे सेंटर में और यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीधे स्कर्ट के ऊपर उल्टा बेल्ट रख के ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखो ऐसे पूरे के पूरे राउंड में हम बेल्ट अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। देखो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अभी हमें इसमें पीछे इलास्टिक लगानी है, तो देखो मैंने इलास्टिक ली है। इसको ऐसे कमर से यहाँ से देखो इस तरह से एक साइड से हम ऐसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। आप चाहे तो पहले ऐसे पॉइंट भी लगा के अटैच कर सकते हैं कमर से दोनों साइड से
ऐसे पहले चौक से पॉइंट लगा के यहाँ से देखो मार्क करके भी इसको लास्टिक ऐसे अटैच कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही देखो इस तरह से नाप लेके दोनों साइड से ऐसे अच्छे से पहले लास्टिक ऐसे अटैच कर देंगे। देखो यहाँ पे अच्छे से सिले लगा के मैंने अटैच कर दी है लास्टिक। देखो ये बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो फिर हमें क्या करना है, लास्टिक के ऊपर ही सिले लगानी। तो देखो ऐसे लास्टिक और कपड़े को ऐसे खींचते जाएंगे, लास्टिक को ऐसे अच्छे से खींच के जहाँ तक लास्टिक का एंड है वहाँ तक ऐसे खींच के अच्छे से सिले लगा देंगे। फिर सेम उसी तरह दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से, और फिर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। देखो ऐसे ही खींच के बीच में भी एक सिलाई लगा देंगे। देखो ये हमारी लास्टिक पीछे से बहुत ही ब्यूटीफुली अटैच हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इसको कोने से ऐसे दोनों साइड से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, पहले हल्की सी पट्टी मोड़ के ताकि धागा ना निकले। इसको आप पहले दोनों कोने से फोल्ड करना चाहते तो भी कर सकते हैं, पर मैंने इस तरह से दोनों साइड से अंदर की साइड ऐसे पट्टी मोड़ के सिलाई लगा ली है। अभी इसको अंदर की साइड हम लास्टिक जितना रख के अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। वो जो हमने जॉइंट लगाया है वो अंदर की साइड दब जाए उस हिसाब से हमें ये सिलाई लगानी है। देखो इस तरह से, फिर लास्टिक वाला पार्ट है वहाँ हम इसे खींच के ऐसे लगानेंगे। देखो इस तरह से, और फिर ये आगे का पार्ट है उसको ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हमारा बेल्ट बन के रेडी हो गया है। पीछे का पार्ट है इस तरह से लास्टिक वाला, और ये आगे जो खुला पार्ट है उसको फोल्ड कर देंगे। पहले ऐसे अंदर की साइड सिलाई लगा के यहाँ पे हमारी पैटर्न आएगी। देखो आप ये पहले सिलाई लगा के भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने अंदर की साइड सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने स्क्वायर में कपड़ा लिया है। इसको ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करके ऐसे बेल्ट बना देंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको दोनों को ऐसे पकड़ के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से, फिर इसको ऐसे करके बीच में देखो इस तरह से यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे, तो जो नीचे का पार्ट है उसको ऐसे सिलाई लगा के दोनों साइड से ऐसे अटैच कर देंगे। जो ऊपर का पार्ट है इसको ऐसे अलग करके नीचे का पार्ट ही जॉइंट करना है। देखो इस तरह से नीचे नीचे ही हम सिलाई लगा देंगे। इसमें से हम बेल्ट पसार करेंगे। देखो इस तरह से हमारी पैटर्न बन गई है। अभी हमें बेल्ट रेडी करना है। देखो इसको ऐसे उल्टे कपड़े पे ऐसे सिले लगाएंगे, जैसे हमने शेप ड्रॉ किया है उसी हिसाब से ऐसे देखो सिले लगा ली है। और खुला पार्ट है वहाँ से हम इसको पलट के सीधा कर देंगे। देखो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा भी कर लिया है। अभी हम इसको स्कर्ट के साथ कैसे अटैच करेंगे, तो देखो इसको ऐसे बेल्ट को उल्टा रख के ऐसे जहाँ जहाँ पे हमने
को पीछे इलास्टिक लगाना स्टार्ट किया है वहाँ इसी के ऊपर सिलाया है उस हिसाब से बेल्ट अटैच कर देंगे इसे। दूसरी साइड भी सेम उसी तरह जहाँ से इलास्टिक लगाना स्टार्ट किया था हमने उसी के ऊपर सिलाया है उस हिसाब से बेल्ट इसके ऊपर सिला लगा के अटैच कर देंगे। देखो बहुत ही इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा ये बनने के बाद। देखो ये मैंने दोनों साइड बेल्ट भी अटैच कर दिया है। अभी इसको हम इसमें से पास करेंगे तो हमारी ब्यूटीफुली पैटर्न बनके रेडी हो जाएगी और ये हमारा अम्ब्रेला कट डिजाइनर स्कर्ट बनके रेडी हो गया है। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है बनने के बाद और पहनाने के बाद तो और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। और देखो ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।